हेलो दोस्तों, खिड़कियाँ नीचे कर देते हैं। पहले खिड़कियाँ हो गई नीचे, चलो चलते हैं। सेम स्टोरी एवरी डे। चलो 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 चलो, मैं आज एक बहुत सीरियस मैटर पे बात करनी है मेरे को, है ना। और सीरियस मैटर ये है कि आज लेग डे वैसे जिम में। सीरियस मैटर ये है कि बस निकल गई, कुछ टाइम का ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें थिंक करनी है आपको। अगर बचपन से ही मालूम हो, मैं अपना बिजनेस ओपन करने की कोशिश करते रहता हूँ। बहुत सारे बिजनेसेस फेल हुए मेरे, छोटे 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 ना। और पर्सनल लर्निंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का पहला बिजनेस चल जाता है क्योंकि उनका दे आर इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। राइट स्टेट ऑफ माइंड नहीं बोलेंगे, ऐसा राइट माइंड सेट बोलेंगे एक्चुअली। दैट इज द राइट वर्ड टू यूज, है ना। वाली खिड़की खोल के मजा नहीं आई, वाली खिड़की खोल रहे हैं। अब आएगी बढ़िया हवा। पीछे की खिड़की बंद कर देते हैं, चलते देखो। मोटर हाथ नहीं मारना पड़ता खिड़की खोलने के लिए। तो अभी तक ये मेरा सोचना है कि मैं ये करने वाला हूँ, रीथिंकिंग के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेके रीप्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर से एक बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ, इस बार फुल फोर्स से, ट्रिपल मेहनत लगेगी उसमें, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। अल्टीमेटली एज इन साइड में उसको खोल के आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस, हाउ इट वर्क्स। वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी जरूरी हैं। बहुत सारे फेलियर्स हो गए, बहुत सारे, बट दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू ट्राई। तो उसी के बारे में सोचने में लगा हूँ। आज लेग डे है ऊपर से, उफ, काम के बाद थकान, नींद, उदासी, उबासी। सनी डे है बहुत, बाहर दिखाता हूँ। बादल देख रहे हो कितने मस्त आ रखे हैं। अरे चल ले भाई यार, कोई बात नहीं, लोगों को चलना ही नहीं आता है। हॉर्न मारो तो लोग गालियां देते हैं, फिर गुस्सा करते हैं। इतनी देर से स्टॉलिंग कर रखी है गाड़ियों की। चलने को तैयार ही नहीं है। ऐसी चीज़ों में फिगर आउट करना पड़ता है, अपने आप को स्किल्स देने पड़ते हैं। जैसे इस गाड़ी के आगे एक गाड़ी है, वो गाड़ी वाले को गाड़ी निकालने नहीं आ रही अभी तक। रिस्क लेने वाली बात नहीं है, बट लाइफ में कभी कभी छोटी चीज़ों में रिस्क लेना पड़ता है। जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना, बिजनेस के साथ रिस्क ले लो, बिजनेस रिकवर हो जाता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो स्कूटी में जाने लग गए अब लड़के, स्कूटीज का ज़माना आ गया है। चलो यार, कितनी गंदी ड्राइविंग, कितनी गंदी ड्राइविंग, देखो क्या कह सकते हैं ना। क्रॉस भी उन्होंने गलत तरीके से करा, सीधे जाने के बजाय गाड़ी टेढ़ी काटी। तो ऐसी चीज़ें जीवन में होती रहती हैं। बस किसी तरीके से गाड़ी निकालने की स्पेस मिल जाए। बादल देखो कितने काले बादल आ रखे हैं आगे, सामने टेस्ला जा रही है। चल ले काट ले, कितना टाइम लेगा। यार आज दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा थोड़ा सा।
रोज ही ऐसा हो रहा है ना एक्चुअली, काम के बाद स्ट्रेस हो जाता है आदमी, दैट इज वाई जब कोई काम से डायरेक्टली घर आए तो उनसे डायरेक्टली गप्पे कन्वर्सेशन शुरू नहीं करना चाहिए, उनको अपना स्पेस देना चाहिए एंड लेट देम हील। हील भी क्या बोलेंगे उसको, लेट देम रिफ्रेश, लेट देम फ्रेशन अप, चाहे वो शावर लेना चाहें चाहे वो कुछ भी करें। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हुए हैं जो बोलते हैं कि यार ऑफिस से जैसे घर पहुँचे सीधे घर वाले जो हैं स्टार्ट कर देते हैं बक 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 बक, विच इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू डू, बिकॉज पूरा दिन भर आदमी जब काम करता है ना तो दैट इज़ अ मेंटल फ्रस्ट्रेशन जो कि क्लियर करनी जरूरी होती है। आज बहुत ट्रैफिक है, देख लो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है आज तक, मैंने बगल वाली गाड़ी के सपोर्ट में अपनी गाड़ी निकाल ली, बादल देखो कैसे मस्त आ रहे हैं, हो गए हम टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जादुई इमारते हैं मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। आज तो हरी नहीं हो रही लाइट,
रहा है कैसे जब जब हो रही। कल का दर्द गया नहीं है बॉडी से। आज 10 मिनट लग गए जिम पहुंचने में ना। चलो एक्सरसाइज करते हैं। लेग पीस, चिकन लेग पीस वो बनाएंगे। चलो फिर आ चुके हैं वापस, थके हारे। आज का वर्कआउट मैंने 1 घंटे में निपटा दिया, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। तुझे मैं तुमसे बात कर रहा था उस चीज़ के बारे में। आई नो गारंटीड, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स जब देखता हूँ तो मोस्ट वीडियोज़ में लोगों ने मैक्सिमम 13 सेकेंड 14 सेकेंड तक वीडियो को देखा होता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। तो ये मैं अपने आप के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक तरीके से। तो आई विल ट्राई कि वो चीज़ मैं जो सोच रहा हूँ दैट स्टार्ट्स वर्किंग। बहुत प्लानिंग लगेगी उसमें, बट आई हैव टू ट्राई। मेरे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ फेल हुए हैं एंड आई नेवर नो कौन सा चलेगा। If ever anything is going to work, otherwise I'll keep trying. I just can't stop. I've lost my mind. मैंने एक बार वो खरीदे थे, कांच के ग्लास खरीदे थे छोटे, वो बेचने की कोशिश करी, नहीं बिके। कितनी कोशिश करी, नहीं बिके। लास्ट में उन्हें घर दे दिया। फिर एक बार चलो फिर एक बार मैंने रूबिक क्यूब्स खरीदी बहुत सारी, 40 रुपये की एक मिल रही थी एंड आई न्यू कि वो अच्छे प्राइस पे सेल हो जाते हैं। 25 रुपये की एक मिल रही थी एक्चुअली, तो मैंने बहुत सारी खरीद ली एंड देन आई डिसाइडेड कि आई विल सेल देम, प्रोबेबली पीपल वुड बाय देम। आई नो मेरी स्ट्रैटेजीज रॉन्ग थी एंड थिंग्स वर रॉन्ग, बट नहीं बिकी। फिर वो मैंने मम्मी के स्कूल में डोनेट करवाई सारे बच्चों को रूबी क्यूब्स। फिर मैंने एक लिफ्टिंग मंक करके इंस्टाग्राम पेज खोला, जहाँ पे मैं सोचता था कि यार कुछ फिटनेस रिलेटेड मैं चीज़ें कर सकता हूँ। उसमें सब्सटैंशिएटेड आइडिया ये था कि एक फिटनेस की ऐप बनाऊँगा, उसमें चीज़ें होंगी, पीपल कैन ट्रैक देयर स्टफ एंड देन वी कैन सेल सप्लीमेंट्स एंड प्रीमियम वर्जन ऑफ द ऐप एंड वेल राइट। और देन मेरा एक आइडिया था कि शॉपिफाई पे एक क्लोथिंग ब्रांड बनाऊंगा जिसमें पहाड़ी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आई विल सेल, कुमाऊं में बनी हुई या हिमालयस के पास में बनी हुई, ओवर द वर्ल्ड। वो भी नहीं चला। और चलने के पीछे पता है मेन रीज़न क्या था इन सारी चीज़ों के ना चलने के पीछे? कंसिस्टेंसी। एक भी आइडिया में मैंने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई एंड वो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से
ऑल ऑफ द आइडियाज वो सिर्फ आइडियाज ही रह गए, राइट? कंसिस्टेंसी सो डैम इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू कंसिस्टेंटली. ये वीडियोज बनाने के पीछे मेरी रीजनिंग ये नहीं है कि यार आई हैव टू पोस्ट देम, जबकि मेरे पास कुछ पोस्ट करने को है नहीं. एंड आई अंडरस्टैंड आई डोंट ऑफर यू वैरायटी एज वेल डेली बेसिस पे, ये सारी सेम टाइप की वीडियोज जो मैं बना रहा हूँ. एंड आई अंडरस्टैंड दैट माई ऑब्जेक्टिव इज टू टीच माई सेल्फ हाउ टू बी कंटिन्यूस एंड हैव कंसिस्टेंसी इन वट एवर आई डू. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ आई एम शोइंग अप फॉर माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस टू द जिम, तो मैं अगर जिम जा सकता हूँ डेली तो फिर मैं ब्लॉग बना सकता हूँ डेली. आई हैव टू एड ऑन एवरी स्मॉल थिंग छोटी छोटी करके एक हैबिट के ऊपर के ऊपर ऊपर ऊपर. एंड दैट इज द ओनली वे आई नो दैट कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी. और मैं वही करना चाहता हूँ. दैट इज वॉट माई ऑब्जेक्टिव इज एट द एंड ऑफ द डे. पीपल विल थिंक कि इसका दिमाग बिजनेस को लेके ही क्यों है, कि बिजनेस ही क्यों खोलना है. आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो, आई हैव नो आइडिया मैं क्यों करना चाहता हूँ वो. इट्स लाइक तुम लोग कभी नहीं देखोगे कि दैट आई हैव अ वेरी फ्लैशी वॉच और अ फ्लैशी कार और एनीथिंग लाइक दैट. पीपल आर लाइक तू पैसे कमा रहा है तो कहाँ खर्च करता है उनको. आई डोंट स्पेंड, आई जस्ट डोंट लाइक स्पेंडिंग. आई हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ. आई जस्ट हैव दिस क्रेविंग टू वर्क. आई एम अ वर्कहोलिक एंड व्हेन आई एम वर्किंग आई ऑल्सो हैव अ क्रेविंग टू ग्रो. आई डोंट नो कि क्यों, बट दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू डू. आई जस्ट वॉन्ट टू हैव ग्रोथ इन माई लाइफ इन एवरी परस्पेक्टिव दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. That is all I am hungry about. तो सिर्फ वही करना चाहता हूँ. I don't really care about how much money I make. Goals decided हैं, financial goals decided हैं कि this is the amount of money that I will strike, no matter what happens in life. And I'm pretty sure, एक जो goal मैंने आज से 5 साल पहले अपनी life में बनाया था वो financial goal I have already achieved. And I'm pretty sure कि मैं जो भी goal बनाऊँगा which I will achieve, right? जो भी goal जो कि ऐसा हो जो कि achievable हो. Unachievable goals बना के फायदा नहीं है. राइट, देर इज नथिंग सच अ स्टार इज द लिमिट. ऐसा कुछ नहीं होता. तो इसीलिए आई विल कंटिन्यू, है ना, अपने आप को लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, टू यू. आई विल कंटिन्यू एंड आई विल नॉट स्टॉप. आई विल प्रोग्रेस, आई विल मॉडिफाई थिंग्स इन एवरी डिफरेंट वे पॉसिबल एंड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड. एंड इन बिटवीन डोंट फॉरगेट टू एंजॉय लाइफ एज वेल, जो कि मैं करता हूँ. दीज स्मॉल मोमेंट्स, यू नो, when you grind for such a long time, when you grind for a very long time, grind becomes fun. You become addicted to the adrenaline that is there in your body. Adrenaline ka addiction ho jata hai ki yaar kaam nahi hai, kya karun kya karun kya karun, samajh rahe ho? And that is a growth mindset that people talk about. What is a growth mindset? You just want to grow, you just want to grow. You don't really care about the byproducts that come free with it, right? If you work hard and you are getting money for it, you will love working hard instead of the money that comes free with it. तो ऐसी चीजें हैं यार, लोग अपने कुत्तों को घुमा रहे हैं. एक 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 पराई कंट्री में एक इमिग्रेंट होके पूरी जान से हर चीज में एफर्ट डालना बहुत मुश्किल पड़ता है. एंड इट इज ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन. This is how it is going to be. People are like, oh, you don't know my life story. I do, man. Everyone has kind of the similar life story. ठीक है, किसी के साथ कुछ होता है, किसी और के साथ कुछ होता है. And everyone wants the same thing. तो life story में difference क्या है? कुछ भी नहीं. Everyone wants to achieve something. Everyone wants to reach somewhere. Everyone wants to go somewhere. Everyone wants to have someone. There's no difference. There is no difference. I can relate. I can absolutely relate. बड़ा धुपीला दिन है आज, बहुत अच्छा लग रहा है. सब लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. केसरिया तेरा इश्क है पिया, थोड़ा सा नीचे गिराते हैं इसको. केसरिया तेरा इश्क है पिया, देखा, थोड़ी सी पिच चेंज करनी पड़ती है. इसी तरीके से लाइफ है, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एफर्ट मार रहे हो और अच्छी ट्यून नहीं निकल पाती गाने में, देन तुम्हें थोड़ी सी पिच चेंज करनी पड़ती है और फिर अच्छी ट्यून निकल जाती है ना. फाइन ट्यूनिंग, लाइफ की फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर मारते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तुम बहुत कम प्रेशर मार लेते हो. बस फाइन ट्यूनिंग करते रहो, मेक श्योर
enjoy doing that. You feel ki haan, I am happy. And you have to tell yourself this, yes, I am happy. This is all I want. And if you can't tell, change it. बहुत ईजी है। अब हम पहुंच गए ड्राइव वे में, धूप हो रही है बहुत तेज। टोपी पहनने का ये फायदा होता है, देख रहे हो मुंह पे धूप नहीं पड़ रही, कौन समझाएगा। पहुंच गए हम घर में, गाड़ी हमने लगा दी पार्क करके, खिड़की करीब बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे। कंसिस्टेंसी, बाय।